नमस्कार, स्वागत है आपका द नेटिजन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पूजा। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। बांदा में रोटी बैंक सोसाइटी, जो पिछले कई वर्षों से गरीबों को मुफ्त भोजन उपलब्ध करा रही है, इस सोसाइटी ने शहर के एक मैरिज हॉल में मिशन शक्ति के तहत एक कार्यक्रम आयोजित कर गरीब महिलाओं को सिलाई मशीन बांटी, ताकि ये महिलाएं आत्मनिर्भर बन सके और अपने बच्चों की परवरिश कर सके। कार्यक्रम में 5 महिलाओं को जो अति गरीब थी चुना गया और इन्हें फ्री सिलाई मशीन भेंट की गई। सर, आज आप मिशन शक्ति कार्यक्रम में जहां महिलाओं को जागरूक किया गया है, इस मिशन शक्ति कार्यक्रम में आप चीफ गेस्ट हैं, मुख्य हैं, आपने पूरा वक्त दिया है, क्या तासुरात देना चाहेंगे ऐसे कार्यक्रमों पर? ऐसे कार्यक्रम जरूरी हैं, बल्कि उन लोगों के लिए जरूरी हैं जो महिलाओं को कम आंकते हैं या उनकी गलतफहमी है। और जैसे मैंने अभी भी कहा था कि किसी के एज्यूम कर लेने से कोई चीज़ नहीं हो जाती है। महिला तो इस सृष्टि का उसका बेस ही है ना, उसके बिना तो हर चीज़ कल्पनीय है। और वो जो बर्दाश्त कर लेती है, उसको जो ईश्वर ने एक गॉड गिफ्ट दिया हुआ है, उसको लोग कमज़ोरी समझते हैं। तो ऐसा नहीं है, उसका अपना सम्मान है और सम्मान उसको देना चाहिए। सम्मान बांटने से सम्मान बढ़ता है। जो लोग सम्मान नहीं दे रहे हैं, मुझे लगता है उनके पास सम्मान है नहीं। देश में सर लगातार देखा जाता है कि महिला उत्पीड़न केसेस, महिलाओं को टॉर्चर करना, महिलाओं को उत्पीड़ित करना, इस तरह की देश में बड़ी संख्या में केस दिखाई देते हैं। क्या मानते हैं इस तरह के केसों के पीछे किस तरह के कारण? मुझे लगता है पहले जो डर खौफ था वो निकल गया है लोगों के दिमाग से। और बहुत सारे पहले लोग अपराध छोड़ दिया करते थे, शायद इसलिए कि कोई क्या कहेगा और उनके घर के लोग उसको बुरा समझेंगे और उसको रखेंगे भी नहीं शायद। और यहाँ तक भी कह देते थे पहले बूढ़े पुराने के, भाई अगर तुमने ये ऐसा गलत काम किया तो दरवाज़ा बंद है घर का। और अब तो मुझे लगता है कि संस्कार की भी कमी हुई है, तरबियत में कहीं कमी है, और साथ में ये भी है कि उनको कोई सख्ती नहीं करी जाती है परिवार की तरफ से और समाज की तरफ से, इसलिए उनको थोड़ी आज़ादी मिल जा रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिजवान अली है, मैं जिला अध्यक्ष बांदा रोटी बैंक सोसाइटी। आज यहाँ पर एक कार्यक्रम हुआ है महिलाओं को जागरूक करने का कार्यक्रम, किस तरह का कार्यक्रम था ये और इसमें किस तरह से महिलाओं को जागरूक किया गया? ये हमारे संस्था के द्वारा मिशन शक्ति एक कार्यक्रम है, उत्तर प्रदेश सरकार की योजना, उस पर हम लोगों ने एक निर्णय लिया, हमारी टीम ने, हमारे सहयोगियों ने, और उसमें हमारी पूरी टीम ने, हमारी महिला टीम ने ख़ास तौर से महिलाओं को जागरूक किया। और इसके अलावा हमारी टीम के द्वारा एक सिलाई मशीन की भी व्यवस्था की गई थी, जिससे 5 सिलाई मशीनें दे करके उन महिलाओं को स्वावलंबी आत्मनिर्भर बनाया गया, ताकि वो अपनी रोज़ी रोटी उस सिलाई मशीनों के द्वारा कमा सकें, अपना जीवन चला सकें, इसलिए ये कार्यक्रम था। और किस तरह के कार्य करती है आपकी संस्था? इसके अलावा हमारी संस्था के द्वारा भोजन, जो शादी वगैरह मैरिज हॉलों से और बचता है, घरों से बचता है, होटलों से बचता है, वो ले करके ज़रूरतमंदों तक पहुँचाती है, कपड़े भी पहुँचाती है। हम लोग गाँव जा करके कैंप लगाते हैं, उसमें गरीब बेसहारा मजबूर लोगों को कपड़े भी वितरित करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेखा था। रेखा जी, आज आपके यहाँ पर मशीन मिली है, क्या क्या करती थी इससे पहले आप? सिलाई करती थी, लेकिन वो भी मेरे पास मशीन नहीं थी, मोहल्ला वालों की मशीन बनाती थी। मेरे पतियों ने मुझे 10 साल से छोड़े हुए, मेरे पास 2 लड़कियाँ हैं, तो अब मैं इस मशीन की वजह से बहुत खुश हूँ, ताकि मेरे बच्चों को पेट चलेगा। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। लगातार ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।